राधे राधे। आज मैं आप सबके लिए बिना बेले बिना स्टीम करे बिल्कुल नई तरह की पिज्जा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करिए आप इन्हें स्टोर भी करके रख सकते हैं और मिनटों में भी बना के खा सकते हैं। ना बेलने का झंझट, ना आपको स्टीम करने का, ना शीट बनाने का झंझट। बहुत ही यम्मी टेस्टी रोल हमारे पिज्जा रोल बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। तो आज की वीडियो शुरू होने वाला है बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे चलिए मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मजेदार रेसिपी देखने के लिए रंजना गुप्ता के पेज को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। ना तो आज हम स्वीट बनाएंगे, ना ही इसमें हम जैसे मैंने आपको बताया है, और ना ही मैं इसमें स्टीम करूंगी। और बहुत ही यम्मी टेस्टी स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये सामने देख रहे हैं, इनको इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बस मैं अभी आपको शुरू में ही दिखा रही हूँ और बाद में दिखाऊंगी। तो स्टोर करने का भी तरीका बताया हूँ रही हूं। और आप इसे हाथ के हाथ भी बना के खा सकते हैं, छोटी मोटी पार्टी में या बच्चों को स्नैक के कभी भी कैसे भी बना के खिला सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी वीडियो देखने के लिए हमारे रंजना गुप्ता के पेज को जुड़े रहिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ। मैं गैस पे पहले डाल देती हूँ जब तक हम रेसिपी को शुरू करते हैं। और यम्मी टेस्टी रेसिपी के लिए जैसे कि आप देखते हैं, मैं हमेशा आपके लिए हर रोज एक नई रेसिपी लेकर आती हूँ। तो इस तरह से मैं डिप करके डाल रही हूँ और वो आपको मैं अभी वीडियो में पता लगेगा कि हमने कैसे बना रहे हैं। और बिल्कुल नया तरीका ही लाई हूँ हमेशा की तरह आज भी मैं। तो आप हमारे पेज पे नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, और या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे रजनी जी, कामनी जैन जी जुड़े हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं फटाफट से, मैं टाइम लाइव वीडियो में टाइम ना लगे इसलिए हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी कर सकें। चलिए जब तक ये फ्राई हो रहे हैं जब तक मैं आपको इधर दिखा देती हूँ अब हमने कैसे बनाए थे। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों फैमिली के संग जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे आकाश गुप्ता जी हमारे संग जुड़ चुके हैं और अभी नहीं दिख रहा है, और कौन कौन है, रेखा गुप्ता जी हैं। चलिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहा करिए। तो आज की मजेदार रेसिपी के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही मजेदार रेसिपी है। तो सिर्फ मैं एक आलू से बता रही हूँ, एक आलू से आप चार रोल बना सकते हैं। आलू उबला हुआ लिया है, उबला होने के बाद इसको मैंने ग्रेटर से कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने ग्रेटर कर लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च रखी है यहाँ पे, थोड़ा सा हरा धनिया रखा है। सारी चीजें मैं डालती जा रही हूँ फटाफट से। यहाँ पे बारीक बारीक, बिल्कुल जैसा आप देख रहे हैं, बारीक बारीक चॉप मैंने कर रखा है प्याज टमाटर शिमला मिर्च, सभी चीजों को डाल देंगे। तो यहाँ पे जितना भी आपको पसंद है उतना डाल सकते हैं, बच्चों के ऊपर है कि आपको जितना खाना है। और पिज्जा में यही सब चीजें डलती हैं तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने, तो अब इसमें हमें कुछ मसाले डालने हैं। तो यहाँ अब यहाँ पे मोटी कुटी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा मैं चटपटा बना रही हूँ, आपने देखा होगा मैंने हरी मिर्च भी डाली है और यहाँ पे मैं वो भी डाल रही हूँ। तो साइड पे साइड में इन्हें भी पलट देती हूँ और जिससे कि ये भी हमारे अच्छे से सिक जाए। और ये दोस्तों बहुत ही यम्मी टेस्टी बनते हैं जैसे मैं आपको वीडियो में हमेशा बताती हूँ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे। तो मसाले एक बार दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ, जो भी मैं डालती हूँ तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपके यहाँ खाया जाता है मसाले तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मसाले की आप ध्यान खुद रखा करिए। रजनी जी, मुक्ता जी, राधे राधे। मुक्ता जी आप भी बहुत दिनों बाद आई हैं, रजनी जी भी राम राम जी, राधे राधे। तो अब मैंने यहाँ पे ये लिया है एक पाउच पिज्जा का, जैसे आप देख रहे होंगे ऑर्गेनो, अगर आपके पास है तो ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस ये आधा पाउच डाल रही हूँ क्योंकि सिर्फ मैं एक आलू से बना रही हूँ, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक मैगी मसाले का पैकेट लिया है, इसे भी मैं आधा पाउच डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि आप देखते हैं मैं भी मसाला कम ही डालती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डालती हूँ। और चटपटा तो वो आपकी इच्छा है, आप कितना बना सकते हैं। अब नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार।
तो नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि मसालों में भी नमक होता है, तो नमक इस तरह से डालिएगा। अब यहाँ पे मैंने मेयोनीस लिया, मेयोनीस और टमाटर केचप था, इन दोनों को मैंने मिक्स करके रखा था, ये डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल नई सी, आप देख रहे होंगे बिल्कुल एक नया सा तरीका बता रही हूँ आज मैं, बिल्कुल कैसे कि बिना शीट के मैं आपको रोल बनाना दिखा रही हूँ कि कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे संग काजल जी जुड़ चुकी है, राधे राधे जी। ये सब चीजें मैंने डाल दी है, अब हमें यहाँ पे मेरे को अब एक सामान डालना है। तो यहाँ मैंने ब्रेड रखी हुई है, इसको ब्रेड को पीस के रख लिया है। साबुत डालती हूँ तो लोग कहते हैं आपने पीस के क्यों नहीं डाला, चलिए मैंने आज पीस लिया है। पर जो चीज ऐसे दिखाने में मजा आता है वैसे करने में मजा नहीं आता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सिर्फ एक आलू से कितना सारा बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने दो ब्रेड ली थी, बस उनको मैंने पीसा है। अगर आपके यहाँ जितनी आपको ज्यादा पसंद है, अगर आपको डो गीला लग रहा हो तो उतनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से आपके सामने करके दिखा रही हूँ, लाइव में जो बनता है वो आपके सामने होता है, कोशिश मेरी यही रहती है। और तो यहाँ थोड़ा सा भी आप देख रहे होंगे इस तरह से ये हमारा डो है, थोड़ा सा ये हल्का सा सॉफ्ट है, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो थोड़ा सा अधिक पीस के रखोगे तो कभी भी जी जरूरत पड़ती है। और आपने देखा एक आलू से, एक बड़ा आलू से ही कितने सारा एक फैमिली का तैयार हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों कि मैं खुद बनाती हूँ, कम से कम बनाने की कोशिश करती हूँ, पर आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही मजेदार बनता है। यहाँ चलिए थोड़ा सा मैंने और डाल दिया। अब हमें क्या करना है, अब मैं जो मन बच्चों की मनपसंद चीज डालनी है हमें, यहाँ पे आप मजरोला चीज ले सकते हैं, सिलाई चीज ले सकते हैं, या दूसरी वाली ग्रेटर वाली। तो पर बच्चों को तो आप सबको पता है यही चीज पसंद होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसी चीज को डाली हूँ, इसमें हमें कुछ पैकेट नहीं करना है, इसे हमें ऐसे ही मिक्स कर देना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ये आधा बैटर कम कर रही हूँ, तो मैं आधे में ही करके दिखाऊंगी क्योंकि मेरे पहले भी बने हुए हैं। तो यहाँ मैंने, आपने देखा सिर्फ आधा आलू कर दिया है, और इसमें मैं जितने आपके बच्चों को पसंद हो बस हमें ऐसे ही डालना है। अगर और देख रहे होंगे, अगर आप चाहें तो इस तरह से इसको इस तरह से फैला कर बीच में भी भर सकते हैं, पर मैंने आपके सामने ऐसे ही डाला है, देख रहे होंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे संग रेखा गुप्ता जी अम्मी होने वाली है, हाँ जी, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी सीखते हैं कामनी जी, हाँ हाँ जी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइड में आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे इस तरह से सीख भी रहे हैं, और इसको सीखने में टाइम नहीं लगता है, बस बनाने, अगर ऐसा डो आपका बना रखा हो जब आपको खाना हो फटाफट से बच्चों को खिला सकते हैं। और जैसे मैंने शुरू में दिखाया था स्टोर करने का तरीका, आप इस तरह से करके स्टोर में स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रखकर जब भी करना हो फ्रीजर में रख दीजिए, और जब मन हो उसे फ्राई करिए और खाइए। तो बस मैंने आपको इतना ही दिखाया है। चलिए मैं इसको इधर साइड में साइड पलट भी देती हूँ। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जैसे ये डलते हैं तो आपको ऐसे लगेगा ये चिपक गया, पर ये आराम से छूट जाते हैं। तो ये दिखिए, तो मैं आपको ये दिखाने वाली थी क्योंकि आपको भी पता रहना चाहिए कि इस तरह से, और जैसे जैसे सीखते हैं ये अपने आप से अलग होते चले जाते हैं। तो अभी नहीं छोड़ूंगी, इन अलट पलट के क्रिस्पी होना है। तो देखा ना, हमने सीट बनाई है ना कुछ करा है, फिर भी बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बनेंगे। और सब्जियां तो आप सबको पता ही है। यहाँ पे हमारे संग एकता जी जुड़ी थी, यम्मी लिखी है, थैंक यू। तो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट देते रहा करिए, आपके कमेंट हमें अच्छे लगते हैं दोस्तों। और जब बाद में हम जिससे कमेंट लिखते हैं या कौन सी सिटी से देख रहे हैं तो हम आपको थैंक्स कह सकें, इसलिए। तो बस इस तरह से करना है और इसको रोल कर लेना है। तो रोल करना है इस तरह से, और इसको एक सार इस तरह से ऐसे ऐसे कर लेना है जैसे आप देख रहे हैं, हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये एक सार हो जाता है। इसमें बड़े छोटे आप बना सकते हैं जितने आपके बच्चों को पसंद है ना। इसमें हमने चीज भरी है, बस ऐसे ही मिल दिया है। और फिर क्या करना है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से बस, अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो आप मैदा लपेट के रख सकते हैं, या कॉर्नफ्लावर या अरा रोड कुछ भी आपके पास में हो उसमें हल्का सा डिप सूखे कोई लपेट लीजिएगा, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था वीडियो के। तो बस, और ये एक मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं।
मैं डालने का भी तरीका बताऊंगी, मैंने किस में डिप करा था वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आधा आलू में आप देख रहे होंगे बस हमारे इतना ही बनते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो मैंने आधा बचा लिया था क्योंकि आप समझ सकते हैं सामान इतना। तो चलिए अब मैं आपको इस तरफ ले चलती हूँ और निकाल के दिखाती हूँ। ये सिक भी चुके हैं और मैं आपको डाल के भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर मैदा को आधा कप कॉर्नफ्लावर लिया था और यहाँ पे आधा कप मैदा ली थी, थोड़ा सा नमक डाला था और उसके घोल को मैंने तैयार कर लिया है। और इस तरह से मैं बैटर हमारा हमेशा गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। सिमटी जी जुड़ी हैं, इन्होंने हमारे संग, इनका नाम समझ नहीं आ रहा है आ से, इन्होंने लिखा आपके वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल है, यम्मी है, यम्मी है, थैंक यू सो मच दीदी। आपको भी बस आपका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा आ से ठा क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आया है। तो आपने पहले भी हमारा वीडियो देखा है तब भी मैंने आपको कहा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये घोल तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे तो रेखा गुप्ता जी यम्मी, अलका जी ने भी राधे राधे, अलका जी जय। तो यहाँ पे अब किसी का भी कमेंट आता है हमारे संग, स्मृति जी, कुमारी जी भी आई हुई थी, तो मैं मीना जी आ चुकी हैं। अच्छा मीना जी आप हमेशा टॉप पे रहती हैं आजकल हमारे पेज पर। तो चलिए मैं एक बार हाथ धो लेती हूँ और फिर मैं फटाफट से दिखाती हूँ क्योंकि कमेंट आप सबको पता है फटाफट से भाग जाते हैं। मैं आपको गैस पे ले चलती हूँ, जितनी देर मैंने आपको दिखाया उतनी देर में वो सिक्के तैयार हो चुका है। तो मैं इसकी आवाज भी आपको सुनाऊंगी कैसे लगते हैं। तो मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और इसमें बिल्कुल भी घी नहीं भरता दोस्तों, इसकी खास बात यही होती है इसमें बिल्कुल भी घी नहीं भरता है। और एक मैं आपको डिप डालते हुए दिखाऊंगी, सुनीता अग्रवाल जी जुड़ चुकी है राधे राधे। तो यहाँ पे इस तरह से जैसे मैंने दिखाया था और ये मैं दिखा देती हूँ, ये बस ये अलग आराम से हो जाता है जब सर्व करेंगे, ये आराम से ये अलग हो जाते हैं। मैं दिखा देती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें अलग करने में और अलग पलट के सेक लेना है। तो यहाँ मैंने इस तरह से, तो यहाँ मैंने पलटा नहीं था क्योंकि रेसिपी के हम दूसरे पार्ट पे थे। और ये देख सकते हैं इस तरह से जब लाइट लाइट का कलर चेंज हो जाता है बहुत ही क्रिस्पी सिकता है दोस्तों। और मैं इसकी आवाज़ भी आपको दिखाऊंगी कैसा लगेगा खाने देखने में और खाने में वो भी मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमें कैसे करना है, मैं एक डाल देती हूँ ये जो हमने गोल बना के रखा हुआ है, तो इसमें बस हमें डिप करना है, अच्छे से लपेटना है और इसके बाद हमें कुछ नहीं लपेटना है जैसे आप देख रहे हैं। इस तरह से मैंने करा है और इसको बस जितना एक्स्ट्रा हो निकल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है क्योंकि फिर वो जाके आप देख रहे होंगे ऐसे ही बेकार में रहता है। और इसको हम डाल देंगे, तो मैं यहाँ साइड में डाल देती हूँ भी जगह है। तो यहाँ तो बस इस तरह से ही डालना है। तो मैंने डालने का तरीका भी आपको दिखा दिया है, अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ क्योंकि नीचे से नहीं सीखे थे। तो जब तक मैं इसकी आवाज़ नहीं सुनाऊंगी तो आपको भी क्या पता लगेगा। ये बस ऐसे ही लगते हैं पर खाने में आपको ऐसे लगेगा बिना शीट के हमने बनाया है, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगते हैं। मैं एक बार टिश्यू पेपर में निकाल लेती हूँ फिर इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको। चलिए अब हम प्लेट की तरफ चलते हैं और इस तरफ से दोनों तरफ से सिक जाना चाहिए। तो आपके सामने ही मैंने सेका है और तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें सपोर्ट मिलता है आप लोगों का। हमारा भी मन करता है कि हर रोज नई नई रेसिपी हम आपके लिए बना के लाएं, इसलिए यहाँ मैं दोबारा से इसको डाल देती हूँ। और यहाँ पे हमारे साथ में तारा जी जुड़ी हैं फ्रॉम कराची पाकिस्तान से, तारा जी यमी लिख रही हैं अंका जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, पाकिस्तान से देख रही है कराची से। तो आज आपके तो रमजान में बनाए जाते हैं तो आप रमजान में अब आपका जैसे महीना शुरू होने वाला है, होने वाला है ये हो चुका है मुझे नहीं पता है, पर आप उसमें भी बना के स्टोर कर सकते हैं खा सकते हैं।
क्योंकि ये रेसिपी तो आप सबको पता है सबके लिए ही होती है, ऐसा नहीं है कि। अब मैंने प्लेट ले ली है और यहाँ पे इसे चटनी सॉस किसी के संग भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ मैं केचप रख रह रही हूँ, तो केचप रखा हुआ था तो मैं केचप ही रख रही हूँ। और मैं आपको सब करके दिखाती हूँ और इसकी आवाज भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ ये इस तरह से ही लगते हैं, बहुत ज्यादा आप सोचेंगे कि बस क्योंकि हमने इसमें डिप कराया है तो मैदा का फूल ऐसे ही होता है। और इसमें बिल्कुल भी आप देख रहे होंगे चीज नहीं फैलती है, कि आप सोचें कि चीज हमारी फैलेगी, ऐसा कुछ नहीं है वो, क्योंकि साइड में वो भी सीख रहा है, मैं उसको भी देख रही हूँ और मैं दिखा देती हूँ इसको। तो आपने देखा इस तरह से रहता है, जैसे कि मैदा की लेयर बनती है तो यहाँ हमने इसे डिप करा तो इस तरह से लेयर बन जाती है और अंदर से ऐसा रहता है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनता है। इसकी लेयर से ही आपको पता लग रहा होगा कितना यम्मी टेस्टी बना है। अच्छा, थैंक यू, आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो आप ट्राई भी कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज आप लोगों के लिए भी बनाती हूँ, क्योंकि कि आप लोग का केक भी मार्च में है शायद, मुझे बताइए कब है आपका, तो मैं बनाती रहती हूँ तो आप मेरी रेसिपी को देख के बना सकते हैं। और इसे इस चटनी सॉस के संग खाएंगे तो आप देखेंगे कितना इसमें चीज भी भरा होता है, वो जैसे मैंने दिखाया था वो हर जगह चीज चीज हो जाता है। तो आप इसे सॉस चटनी संग किसी के संग भी खा सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है। और ये वाला भी हमारा सिक चुका है इतनी देर में, यहाँ मैंने गैस तेज पे ही सेका है, तो गैस पे तेजी करके ही सेकना है, हमें धीमे करके नहीं सेकना है, क्योंकि हम लाइव बना रहे थे इसलिए मैंने करा था। तो मंजू कपूर जी आप आ चुकी हैं, बहुत देर से आई हैं मंजू कपूर जी, आप लोग के कमेंट हमें आपका इंतजार रहता है कि आप सब आ जाए। चलिए कोई नहीं, चलिए अब मैं, ये भी हमारा सीख चुका है तो मैं आपको इसकी आवाज भी सुना के दिखा देती हूँ। चलिए आप लेट आए हैं, कोई बात नहीं, चलिए तो देख सकते हैं। तो इसकी जो लेयर होती है ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी होती है, अगर आपको ऐसे चीज नहीं मिलानी है तो भर के जैसे हम टिक्की में भरते हैं मटर वटर इस तरह से भी, पर लेयर इसकी बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी रहती है। चलिए बाय बाय, थैंक यू, शाम को बहुत ही एक नई अच्छी सी रेसिपी ला रही हूँ तो आप लोग जरूर आइएगा। बाय बाय, थैंक यू।